हेलो एवरीवन, माय नेम इज केना और आपका स्वागत है मेरी चैनल केना गज्जर व्लॉग्स में। तो आज फिर से मैं एक अन्य कहानी सुनाने जाने वाली हूँ जो एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ऊंट और एक सियार बहुत पक्के दोस्त थे। एक दिन वे खेत में तरबूज खाने गए। भरपेट तरबूज खाने के बाद सियार हुआ हुआ चिल्लाने लगा। अरे चिल्लाओ मत, तुम्हारा चिल्लाना सुनकर किसान आ जाएगा, ऊंट ने उसे समझाया। गाना गाए बगैर मेरा खाना नहीं पचता, सियार ने जवाब दिया। जल्द ही किसान वहां आ गया। किसान को आते देख सियार तो भाग लिया, लेकिन किसान ने ऊंट को जमकर पिटाई की। एक दिन ऊंट ने सियार से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, मैं तैरूंगा और तुम मेरी पीठ पर बैठे रहना। सियार तैयार हो गया। ऊंट सियार को पीठ बैठाए हुए गहरे पानी में पहुंचा तो डुबकी लगाने लगा। सियार चिल्लाने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। लेकिन मैं तो पानी में जाकर डुबकी लगाता ही हूँ, ऊंट ने जवाब दिया। मेरी सेहत के लिए यह बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से ऊंट ने सियार से बदला लिया और सियार को एक सीख भी सिखाई। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण।